जनाब स्पीकर, ये नाइंसाफ़ी होगी अगर इस मौके पे मैं आपसे ये गुजारिश ना करूं कि इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए सारी एफर्ट को जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है इस मुसवदे पे, इस बिल पे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगर इस पे मज़ीद रोशनी डालें, क्योंकि सर अगर ये मुसवदा कौमी असम्बली में पेश किया जाता तो ये ख्याल था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पेश करेंगे, ये सेनेट से क्योंकि गवर्नमेंट बिल के तौर पे आया है तो ये जिम्मेदारी मुझे अदा करना पड़ी। क्रेडिट गोज़ टू हिम कि उन्होंने इसकी नोक पलक दुरुस्त कराने में, इसकी फाइनल शेप करने में वज़ीर आज़म साहब का बहुत साथ दिया। जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर आपका शुक्रिया। मैं लॉ मिनिस्टर साहब के जो अल्फाज थे उसके भी शुक्रगुजार हूँ। एक करेक्शन करना चाहूँगा कि इस बिल की कामयाबी में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है, और मैं समझता हूँ कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार इस पूरा प्रोसेस में रहा है, ये ना सिर्फ तारीख याद रखेगा मगर आज अगर मैं इस फ्लोर पे फख्र के साथ खड़ा हूँ कि हम ये आइन साजी का अमल कर रहा हूँ, तो इसमें भी सबसे बड़ा किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का रहा है। और जितना हमारा आपस में इंटरेक्शन रहा है ये पिछले दो महीने में, इस पर भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान की सियासत अपना वालिद सदर जरदारी के बाद में किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वत्तु इजु मंतशा वत्तु जिलु मंतशा, और जितना हमने अपना पार्लियामान का इज्जत रखा है, अपना दस्तूर का इज्जत रखा है, इस आइन साजी का अमल की इज्जत रखा है, तो उसमें भी सबसे बड़ा किरदार मौलाना फजल रहमान साहब का। जहाँ तक इस आयन साजी की बात है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जनाब स्पीकर मेरे लिए अगर मैं कुरान पाक के बाद किसी किताब को मानता हूँ तो वो पाकिस्तान की दस्तूर है, पाकिस्तान की आइन है, हमारा इस्लामी वफाकी जमहूरी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त मैं याद दिलवाना चाहूँगा कि उन जमानों में भी जमात उलमा इस्लाम उन बेंचेस पे बैठे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन बेंचेस पे बैठे थे, और उन जमानों में भी सियासी इख्तलाफ था और रोज पे था। अगर आजकल के सियासतदान आजकल पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब और आज का कायदे इज़्म इख्तलाफ के दरमियान इख्तलाफ सियासी जो पोलराइजेशन हुआ है वो किसी कोई अरूज पे है, तो याद रखना चाहिए कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वज़ीर आज़म था और जमात उलमा इस्लाम के कायदे इज़्म इख्तलाफ था, तो तब भी हमारा सियासी इख्तलाफ नज़रियाती इख्तलाफ अरूज पे था। मगर जब पाकिस्तान की बात आती थी
जमहूरियत की बात आती थी, आइन साजी की बात आती थी, तो हम सारे इख्तलाफात भूल के एक मेज पे बैठ के इत्तेफाक कायम करके सरजमीन बे आइन को अपना आइन दिलवाया था। हमने 18वीं तरमीम के वक्त उस दौर के सियासी हालात के मुताबिक सियासी इत्तेफाक राय पैदा करके तारीखी आइन साजी करके जो हमारा आइन में तमाम काले कवानीन थे आमर के तले हुए जज साहिबान की इजाजत के साथ, वो तमाम काले कवानीन को हमने अपना आइन से निकलवा दिए और तब भी वो तारीखी काम था। आज का दौर का अपना सियासी हालात है, अपना सियासी ग्राउंड रियलिटीज है, जो पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान की सियासत में आज सियासी जमातों के लिए मौजूद है, जितना आज वो सियासी स्पेस तंग है उतना 2008 में नहीं था, उतना 1973 में नहीं था। लेकिन सियासतदान के इम्तहान ही यही होता है कि जितना आपको स्पेस मिलता है आप उस स्पेस पे कितना खेल सकते हो। और मैं समझता हूं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल पार्टिसनशिप का जो हालात है वो आपके सामने है, जब आमतौर पे ये तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान के सियासतदान एक दूसरे के हाथ तक नहीं मिलाने के लिए तैयार है, जहां हुकूमत के एतहादी अपोजिशन की जो लार्जेस्ट पार्टी है उनसे हमारा बायकायदा राबता वैसे इतना ज्यादा नहीं होता, इस हालात में जितना इत्तफाक राय पैदा हो सकता था मुमकिन था वो इत्तफाक राय हमने हासिल करके 26 आईनी तरमीम की शक्ल में आज हम इंशाल्लाह ताला नेशनल असेंबली से पास करने जा रहे हैं। ये बेशक हमारे दोस्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस बिल को वोट नहीं दे रहे, बेशक ना दे ये भी इनका हक है, मगर मैं समझता हूं कि ये हकूमती बिल से ज्यादा इसमें जो पॉइंट्स है हकूमत के या मतलब हकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज के सबसे कम नुकात होंगे। इसमें सबसे ज्यादा अगर पॉइंट्स है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI और 99.99% जो एतराजात PTI के थे वो निकाल के वोट ना दे। कंटेंट तो जनाब स्पीकर जितना क्लोज टू कंसेंसस हो सकता था वो है, और मैं समझता हूं कि ये सियासत की फतह है, ये जमहूरियत की फतह है, ये सियासी जमातों का फतह है, और हमारे भाई वो दे या ना दे ये इनका भी सियासी कामयाबी है। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए थोड़ा समझाना चाहूंगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम वो काम जो 18वीं तरमीम में हमने पार्लियामेंट में किया, सदर के इख्तियारात वजीर आजम और पार्लियामेंट को डिवॉल्व किए गए, वफाक के इख्तियारात वसाइल सूबे के साथ डिवॉल्व किए शेयर किए गए थे,
वैसे ही हम आज जो अदालत में पावर कॉन्सेंट्रेटेड था उसको भी हम डिवॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये साबित होगा कि जैसे 18वीं तरमीम ने हमारे पार्लियामान के लिहाज से, वफाक के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से, डेवोल्यूशन के लिहाज से इनकलाबी रिफॉर्म्स थे, वो इंशाल्लाह ताला तारीख साबित कर देगा कि जो काम हम आज करने जा रहे हैं ये भी तारीखी काम। हम ये जरा देखें, गौर करें कि पाकिस्तान की जी प्लीज जहां तक जनाबी स्पीकर जो लोग कहते हैं जी चेयरमैन सर जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब बात कीजिए प्लीज। चेयरमैन साहब बात। जनाबी स्पीकर मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा आपके थ्रू कि क्या वो पाकिस्तान की आप ऑर्डर रिस्टोर करेंगे तो मैं बोलूंगा मिस्टर स्पीकर। जी काइंडली प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ये ट्रेजरी साइड से ही ज्यादा आवाजें आ रही हैं। जनाब स्पीकर मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा कि क्या वो पाकिस्तान के निजाम अदल से, पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम से मुतमिन है या नहीं। मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूंगा कि क्या वो ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की अदालत का निजाम चलता आ रहा है वैसे ही चलना चाहिए। मैं पूछता हूं कि क्या हम भूल चुके हैं कि पाकिस्तान की अदालत की तारीख क्या है। हमारा अदालत का काम था जमहूरियत का तहफ्फुज दिलवाना, हमारा अदालत का काम था आईन का तहफ्फुज करना, हमारा अदालत का काम था आमिर का रास्ता रोकना। जनाब स्पीकर आप मुझे एक दफा बताएं कि अदालत ने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की तारीख में कब पूरा किया है। आधा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम डिक्टेटरशिप रहे हैं, मगर वो डिक्टेटरशिप को कामयाब होने में सफे अव्वल का किरदार तो हमारा अदालत का रहा है। कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इस अदालत ने तख्तेदार पर लटका दिया, जनरल जियाल हक को इस अदालत ने इजाजत दी कि आईन में तरमीम करे, इस अदालत ने 90 के दहाई में 58(2)(b) के नाम पे एक न्यूज पेपर कटिंग का, जंग की न्यूज़पेपर की कटिंग के बुनियाद पे दो तीन जज बैठ के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत को खत्म कर देते। ये अदालत की तारीख कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क पे राज किया तो उनको इजाजत इस अदालत ने दी इस तरमीम में अगर इन्होंने तब्दीली लेकर आए तो इजाजत इस अदालत ने दी, और अगर
वो यूनिफॉर्म में सदर का इलेक्शन लड़ा तो वो भी इजाजत इस अदालत ने दी। आईन का तहफ्फुज करने वाले, आईन का जमहूर का तहफ्फुज करने वाले, जनाब स्पीकर ये है इनका किरदार आमिराना दौर में। जमहूरी दौर को हम जरा देख ले, 2008 से लेके 13 तक, 2013 से लेके 2018 तक, उसके बाद भी जमहूरी दौर में अचानक अदालत को जमहूरियत याद आती है। वो सिर्फ जमहूरियत और आईन और दस्तूर को तब इनको याद आता है जब हम जिद्दोजहद करके, हम कुर्बानियों दे के आमरियत को, आमिर को भगाते हैं, तो फिर हमारा अदलिया को आईन, जमहूरियत और कानून याद आते हैं। मगर उस आईन और इस जमहूरियत को याद आते हुए भी वो अपने इख्तियार अवाम को इंसाफ देने पे इस्तेमाल नहीं करते। वो अपना इख्तियार आईन और जमहूरियत को तहफ्फुज देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वजीर आजम को फारिग करने में इस्तेमाल किए हैं जनाब स्पीकर। अब हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं, तांत और जहर की बात कर रहे हैं। उनका नुक्ते नजर में इस आईनी तरमीम में ऐसे कोई शिक थे जो उनके इनपुट के बाद हटाए गए? इनकी बिल्कुल अपना हक है, अपना राय है और कामयाब हुआ अपने मकसद में। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आईन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो टांत रखने वाला जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। ये क्या बात हुई कि आप हमारा वजीर आजम को तख्तेदार पे लटका दें? आप हमारा वजीर आजम को जो सरेआम दहशतगर्दी के हमले में शहादत कबूल करती है उसको इंसाफ नहीं दिलवा सकते? आप उसके बाद जो वजीर आजम मुंतखब होते हैं आप कहते हैं खतना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं, उसके बाद दूसरा वजीर आजम को कहते हैं कि आपने अपना बेटा से 10,000 दरम नहीं लिया, आपका दो दहाई अक्सरियत है, मगर हम 5 जज साहब एक कलम के जरिए आपको फारिग करते हैं। हमने 58(2)(b) खत्म किया तो अदालत ने सादिक और अमीन के जरिए वो 58(2)(b) वापस अपने पास ले लिया। हमने अदम एतमाद को वो वाइल जरिया समझा कि ये जायज आईनी जमहूरी तरीका है किसी वजीर आजम को हटाना। तारीख में पहली बार हम वो हमारा अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं और अदालत एक गैर आईनी 63A के फैसला के थ्रू हमसे वो इख्तियार छीनते हैं, अदम एतमाद का शक को डिसफंक्शनल बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या कि फौजी जनरल को इजाजत वजीर आजम को हटाना, काला कोट पहनने वाला को इजाजत वजीर आजम को हटाना, मगर इस हाउस के नुमाइंदे जो पाकिस्तान के अवाम के मुंतखिब नुमाइंदे हैं उनके पास ये इख्तियार नहीं, उनका वोट गिना नहीं जाएगा, वो नाअहल होगा। ये किस किस्म का मजाक था जनाब स्पीकर? ये क्या चाह रहे थे कि हम अपने हाथ पे हाथ बैठ के ये तमाशा, ये मजाक देखते रहते?
हम पे फर्ज था, हमारा ये जिम्मेदारी था बहैसियत सियासतदान, बहैसियत पार्लियामान के मेंबरान, कि हम अपना हाउस का पार्लियामान का अथॉरिटी असर्ट करते और वो जो गैर जमहूरी अमल था जुडिशियल रिफॉर्म्स के थ्रू उसको अटेस्ट करने की कोशिश की। और हमारा जुडिशियल रिफॉर्म्स के दो तीन ही कंपोनेंट्स है जनाब स्पीकर। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।